26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। सीमा पर लगी ये कीलें कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन अब इन्हें मोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन लोगों ने इन कीलों को रातों रात मोड़ दिया। यही नहीं, सुबह भी कई लोग इन कीलों को उखाड़ते नजर आए। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए इन कील कांटों को सड़क पर लगाया गया था। ऐसे तो पुलिस की ओर से किए गए सुरक्षा इंतजामों को कोई छू नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से कीलों को मोड़ा गया था वो इस बात पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इनका मकसद क्या था। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर लगी कीलों को हटाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मसले पर बयान आया। उन्होंने साफ किया कि कीलों को निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन इन्हें सिर्फ दूसरी जगह पर लगाया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर यथास्थिति पहले की ही तरह बरकरार है। गाजीपुर में पिछले तीन दिनों में लगातार कीले लगाने का काम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था और ये बैरिकेड्स के बाद कीले लगाई गई थी जो बीती रात से मुड़ती नजर आई। ये कीले किसने मोड़ी थी इसके बारे में किसी को नहीं पता, हर कोई यहाँ पर बताना नहीं चाहता, लेकिन ये कीले अपने आप कैसे मुड़ गई उसके बाद अब जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से एक यहाँ पर डेंटर को भेजा गया है जो यहाँ पर इन सभी कीलों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो लगाया था यहाँ पर अब उसे यहाँ पर उखाड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर अब विदेश से संसद तक में इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए कि आखिर किसानों के आंदोलन में इस तरह की किलेबंदी का क्या काम है। दूसरी तरफ अकाली दल, एनसीपी, शिवसेना और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने नेता गाजीपुर बॉर्डर किसानों से मिलने पहुंच गए। माना जा रहा है विपक्षी दलों से संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का मकसद इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाना है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के बाद ये नेता जब धरना स्थल की तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। दिल्ली पुलिस के इस सुरक्षा इंतजाम की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। कुछ माननीय सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे और प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाना चाह रहे थे। बड़े सम्मान के साथ उनको बताया गया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी वजह से वहाँ से आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन अल्टरनेटिव रास्ते खुले हुए हैं और उनको फैसिलिटेट करने की भी एक हमने प्रस्ताव दिया कि आपको हम उधर प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर बंदोबस्त के अंदर हम भिजवा देंगे ताकि वो अपनी जगह जहां जाना चाहते पहुंच जाए। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग अंदर वहां पे बंद है, बुजुर्ग औरतें बंद हैं, उनका खाना बंद, उनका पानी बंद, उनका बिजली बंद, उनका इंटरनेट बंद, दोनों तरफ से उनको ऐसे 3 किलोमीटर की घेराबंदी। मैं पंजाब से आती हूँ, हमने अपने पाकिस्तान के बॉर्डर में ये नहीं देखा है जो इधर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए सड़क पर लोहे की कील लगाई गई उसके बाद प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही थी। सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर लोग दिल्ली पुलिस के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने इस कदम पर कायम है। छब्बीस जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला, आईटीओ सहित राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और उपद्रव हुआ, जिसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के धरना स्थल के आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में सीआरपीएफ की 31 कंपनियों की तैनाती जारी रखने का फैसला किया। इस तैनाती को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है।